एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ ब्रेड के पकोड़े रेसिपी। बहुत ही क्रिस्पीदार और टेस्टी बनता है, एक बार बनाइए मेरे अंदाज में, आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए 5 ब्रेड को लिया हुआ है मैंने। एक एक ब्रेड को पानी में डालकर इसको अच्छी तरह से निचोड़ कर साइड पर रख लेंगे। यहाँ पर मैंने आलू का कद्दूकस कर लिया था, ये कच्चा आलू है, इसे भी डाल देते हैं इस ब्रेड के अंदर। यहाँ पर डालेंगे हरी मिर्च, प्याज, धनिया पत्ती, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसे हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे और 2 या 3 चम्मच जितना मक्के का आटा भी डाल देंगे। बिल्कुल इसमें पानी नहीं डालेंगे, अच्छी तरह से मसल लेंगे। और तेल मैंने गरम कर लिया था, तो यहाँ पे सारे पकौड़े को हम फ्राई कर लेंगे लो आँच पर। बहुत ही क्रिस्पी लगता है एवरीवन, बीच बीच में चलाते रहेंगे और ये पकौड़े क्विकली बन जाती है और बहुत ही क्रिस्पीदार बनता है। तो इसे हम छान कर साइड पर रख लेंगे और इसे गर्म गर्म इंजॉय करते हैं। आप भी एक बार बनाइए मेरे अंदाज में। बाय एवरीवन।